नाबालिग से रेप के आरोपी दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अधिकारी पर रेप की FIR दर्ज की गई। डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप। FIR के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी पति का साथ देने का आरोप है, जिसकी वजह से FIR में 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। जो आरोपी हैं वो सरकारी अफसर हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT में, एक डिपार्टमेंट में, और जो विक्टिम हैं उनके पेरेंट्स भी सरकारी मुलाजिम रहे हैं। ये जो इंसिडेंट है ये नवंबर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 का है। ये जो मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट के बाद में हम एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे। पूरे समाज को हिला देने वाली घटना है। हालांकि इसके अंदर अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, मगर क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश मुख्य सचिव को दिए हैं और मुख्य सचिव को कहा है कि आप 5 बजे तक इनको सस्पेंड करके इसकी रिपोर्ट दें। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाले डिप्टी डायरेक्टर प्रीमोदय खाखा बुराड़ी के इसी ग्लोरियस अपार्टमेंट की पहली मंजिल में रहते हैं। फिलहाल आज सुबह पुलिस यहां पर आई थी लेकिन वो नहीं मिले। जो विक्टिम है उसके मुताबिक उनकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई, उसके बाद जो विक्टिम के पिता हैं उनकी मौत हो गई और 2020 में आरोपी विक्टिम को अपने साथ इसी घर में ले आया। और आरोप ये है कि 2020 से लेकर 2021 तक वो लगातार उसके साथ में रेप करता रहा और इस दौरान वो गर्भवती हो गई। इसके बाद जो आरोपी की पत्नी है उसने विक्टिम का गर्भपात करवा दिया और पति पत्नी दोनों उसको लगातार धमकियां देते थे कि वो ये बात बाहर ना बताए। इसके बाद जो पीड़िता है उसने सारी बात अपनी माँ को बताई और फिर दोनों पुलिस के पास पहुँची। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो पीड़िता है उसके CRPC 164 में कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए हैं। अब पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में लगातार जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी आरोपी को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी है। तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग का काम महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना है उसी विभाग के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप हैं। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने FIR में सेक्शन 120B यानी कि साजिश का सेक्शन भी लगा दिया है, क्योंकि जो आरोपी है उसकी पत्नी भी इस पूरी घटना में शामिल है, तो 120B भी लगा दिया है। और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच लगातार कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो एक ऐसे पद का अधिकारी जिससे एक बेहतर उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उसने अपने दोस्त की बच्ची के साथ ही बलात्कार किया, गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करवाया और इस घिनौनी हरकत में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। चर्च में आने जाने के दौरान दोस्ती हुई और जब बच्ची के पिता की मौत हो गई तो उसे आश्रय देने के लिए अपने घर ले आया।